A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the IRB Convented School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today I am going to tell you the summary of the poem that is The Wonderful Words. This is a poem of class 6 named The Wonderful Words. So what do you understand from Wonderful Words? इससे poem के title से आपको क्या समझ में आ रहा है? आज हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ये जो पोयम है ये किससे रिलेटेड है? दिस पोयम इज रिलेटेड अबाउट दी वर्ड्स, हमारे शब्दों के बारे में ये पोयम है. वर्ड्स मीन्स शब्द, जो हम शब्द अपने बोलते हैं. सो वील स्टडी दिस पोयम टूडे. सो बिफोर स्टार्टिंग दी पोयम वील गो थ्रू दी पोएट. सो अबाउट दी पोएट, नेम ऑफ द पोएट हु हैज रिटन दिस पोयम दी वंडरफुल वर्ड इज मैरी ओ नील. He is the poet of this poem and he has also written many beautiful poems. So this is one of his poems named The Wonderful Words. The poet was born on 7th November 1941. Poet ka janm kab hua tha? He was born on 7th of November, that in 1941, and he is still alive and his age is 78 years old. He is 78 years old now. And he is also a politician. जो ये हमारे poet है ये एक politician भी है और former member of legislative assembly के जो former member होते हैं, member भी ये रह चुके हैं. Okay, so this was the introduction of the poet named Mary O'Neill, जिन्होंने इस poetry को लिखा है. And the poetry is the wonderful word. Wonderful means बहुत ही अच्छे. A wonderful word, जो हमारे अच्छे शब्द हैं वो हमसे क्या क्या करवा सकते हैं. So basically the poem is about the, this poem is all about the role and importance of language and language skills to shape the ideas of the mind. So in this poem the poet has talked about the ideas of the mind. जो आपके mind में ideas हैं उसे आप किस तरीके से लोगों के सामने present कर सकते हैं, या जो हमारी language है उसकी कितनी ज्यादा importance है हमारी life में, और किस किस language skills से, मतलब किन किन तरीकों से शब्दों को हम किस तरीके से present करें अपने words को, कि जो हमारे ideas हैं उनको क्या मिल सके, shape मिल सके, हमारे ideas की सराहना हो, उसकी importance की पता चले. Okay, so this poem is basically all about that. So the poet says कि हम सभी के लाइफ में, या कहीं पर भी आप जाके देखिए तो जो भी लोग होंगे उनके पास एक लैंग्वेज तो होती ही होती है. मीन्स जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, वो उनके पास होती ही होती है. हर कोई के पास एक लैंग्वेज तो होती है कि जिस लैंग्वेज में वो अपनी बातें कर सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं. तो हमें अपने बातों को, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स का यूज करते रहना चाहिए, और वर्ड्स को कितने अच्छे से, कितनी ब्यूटीफुली, कितने स्किल के साथ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हमें करती रहनी चाहिए. मीन्स अपने शब्दों को हमें दबाना नहीं चाहिए कि जिससे हमारे जो वर्ड्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं वो उभर के सामने ना आ सके. एंड द पोएट सेज दैट द इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और कोई भी इंसान बहुत आसानी से इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सकता है, या इस लैंग्वेज में अपनी कोई भी बात को इजिली लोगों के पास तक, या लोगों को समझा सकता है या पहुंचा सकता है अपनी बातों को, अपने स्किल्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स को. सो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है. किसी भी कंट्री के लोग हो, किसी भी कहीं के भी लोग हो, अगर उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है और उसके अलावा हम कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं. बस इंग्लिश में क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड्स के साथ गेम खेलने हैं, वर्ड्स को पहचानना है, कौन से वर्ड की कितनी महत्वता है, कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजों का बस ध्यान रखने की जरूरत है. मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को एक क्या करना है, गेम की तरह लेना है, कि ये हमारे लिए एक गेम है. इंग्लिश को हमें ऐसे सीखना चाहिए, ना कि कोई पढ़ाई है. सो आई एम योर इंग्लिश टीचर, सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक इंग्लिश लैंग्वेज एज अ गेम.
एक्वायर दिस इन योर स्टडीज एंड ऑल्सो इन योर डेली लाइफ, इम्प्लीमेंट करिए अपनी डेली लाइफ में. आप जो बोलते हैं इट्स ओके दैट यू विल नॉट स्पीक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और यू विल नॉट गो थ्रू द करेक्ट सेंटेंस, बट इफ यू विल ट्राई एट सम फेज ऑफ लाइफ यू विल करेक्ट इट आउट. सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू एक्सप्लोर इंग्लिश एंड ट्राई टू गिव योर आइडियाज इन English, so it will be better for you and better for others also that they would listen your skills. क्या होता है जब नए लोग हैं, अगर सेम वही लैंग्वेज में आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो उन्हें भी एक टाइम आता है कि वो कम इंटरेस्ट लेते हैं. बट अगर आप कुछ नए तरीके से, नई स्किल्स से, नए वर्ड्स का यूज करके अपनी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे, अपने आइडियाज ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में जो आइडिया है उसे नई स्किल्स के साथ, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, या कौन से वर्ड्स ज्यादा वंडरफुल होंगे, कौन से वर्ड्स अच्छे होंगे, उनको जितना ब्यूटीफुली और वंडरफुली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर करेंगे तो लोगों को वो सुनना ज्यादा पसंद आएगा. मीन्स लोगों को वो चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ. सो द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू गिव एक्सप्रेशन टू आर थॉट इज आर वर्ड. सो द पोएट एट लास्ट सेज कि हमारे जो थॉट्स या इमेजिनेशन है, हमारी जो सोच है या जो हमारी इमेजिनेशन है, उसको हम कैसे सुंदरता दिखा सकते हैं, मीन्स अपना रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, या सब कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करना, ये सबसे अच्छा एक्सप्रेशन, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है उसे एक्सप्रेस करने का. सो द मोस्ट ब्यूटिफुल वे इज आर वर्ड्स. हमारे जो शब्द हैं वो सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल मीन्स सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है हमारे क्या थॉट्स को प्रेजेंट करने का. हम अपने थॉट को या तो एक बोरिंग लैंग्वेज या एक बोरिंग तरीके से, घिसे पिटे जो डेली कॉमन वर्ड्स हैं उसके तरीके से प्रेजेंट करें, प्रेजेंट तो होगा बट ये क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा और लोग भी सुनना पसंद नहीं करेंगे. बट अगर उन्हीं चीजों को हम अच्छे वर्ड्स के साथ, ब्यूटिफुल वर्ड्स के साथ, नई लैंग्वेज के साथ में एक्वायर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सो वट विल बी डन, क्या होगा, लोगों को वो चीजें पसंद आएगी, लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे. सो हियर द पोएट सेज कि आपको अपने थॉट्स, जो आपके विचार हैं, उन पे बाधा नहीं डालनी चाहिए, मींस उन्हें रोकना या दबा के नहीं रखना चाहिए किसी वजह से, जस्ट बिकॉज यू कांट स्पीक इंग्लिश और अदर लैंग्वेज. सो आप अपने विचारों को दबा के मत रखिए या उन्हें मरने मत दीजिए. आप वर्ड ढूंढिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड ढूंढिए जिसकी वजह से आप अपने थॉट्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके. सो दिस इज द पोयम ऑल अबाउट योर वर्ड्स, आपके शब्दों के बारे में, आपके वंडरफुल जो वर्ड्स हैं जिनसे आप अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में पोएट ने उस पोयम में बात की है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम वेल. रीड द पोयम एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स विच द पोएट हैज आस्क्ड टू डू इन द पोयम. So I am stopping this over here only and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.